तो मेरे प्यारे मनोज मिश्रा के फैंस और मेरे प्यारे संबलपुरी भाइयों, तुम लोग बताओ, आप लोग ने अगर टीज़र देखा है अनुभव महंती का जो फर्स्ट लुक कर्मा का, तो आप लोग को कैसा लगा इसका टीज़र जो फर्स्ट लुक है उसका कैसा लगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैंने आप लोग को बताया था कि सभी लोग ने, जो अनुभव फैंस है, बाबूशान फैंस है, तो इन लोग ने मनोज मिश्र के काली किताब टीज़र को काफ़ी ज़्यादा पसंद किए थे और उन्होंने कमेंट सेक्शन भी लिखे थे कि हाँ वो बिल्कुल देखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए मेरे वीडियो में, और टीज़र जहाँ रिलीज हुआ था वहाँ पे भी। तो वहाँ कोई ईस्टर्न या फिर वो स्टोरी से ऐसे नहीं किए थे, वो सभी ने मिलके सपोर्ट किए थे। तो आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा। तो मेन मुद्दे पे निकल के आते, देखिए मनोज मिश्र ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो लिखे थे कि जो अनुभव महांती है वो किस तरह से इनको सपोर्ट करता है, उनके मूवी को किस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया था। तो एक और जो है इंटरव्यू अनुभव महांती का जो है मैंने देखा था, तो उनका एक छोटा सा क्लिप है, तो उन्होंने इसमें ये बताया था कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ओडिया इंडस्ट्री में अलग अलग बन के जो कलाकार है अलग अलग तरीके से काम करे, सब चाहते हैं कि एक ही तरीके मतलब एक ही जगह काम करे, मिल बांट के काम करे। तो आने वाला फिल्म में अनुभव और मनोज मिश्र जो है एक ही फिल्मों में काम करने वाले हैं, ये लिख के रख लो 2024 तो नहीं लेकिन 2025 तक आपको ये अपडेट मिल जाएगा कि ये लोग मिल के काम करने वाले, बहुत ही बड़ी जो है एक कंटेंट के ऊपर, बहुत ही बड़ी बिग बजट मूवी के ऊपर। और ये का जो है हमें बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, और जब मिलेगा आप लोग खुश हो जाओगे, और उसमें हमको बाबूशान भी देखने को मिल सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल इन लोग के फैंस जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना जो कर्म का फर्स्ट लुक था आप लोग को कैसा लगा।